हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण आंसर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस। जी हां दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा। हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरी हुई है, हमेशा डिमिनिश होते रहती है। जी हां, जैसे जैसे हम चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सक्सेसिवली कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे उन्हें और कंज्यूम करने की हमारी इच्छा कम होने लगती है। इसी लॉ को अल्फ्रेड मार्शल ने पिछली बार हमारे सामने रखा था। आज हम उसी लॉ के अजम्पशन समझने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, यानी कुछ धारणाएं, कुछ कंसिडरेशंस, कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है इस लॉ को अज्यूम करने के लिए, इस लॉ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जब बात आती है लॉ की तो सबसे पहले स्टेटमेंट सेम टू सेम अच्छे से दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है। जी हां, हमारा स्टेटमेंट कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो भी बेनिफिट एक पर्सन डिराइव करता है एडिशनल बेनिफिट एक्स्ट्रा यूनिट से, वो हमेशा कम होने वाला है, वो हमेशा डिक्रीज होने वाला है। एग्जांपल हमेशा से ही हम लेते आ रहे हैं थर्स्टी पर्सन का। ये जो प्यासा आदमी है बेचारा, ये एक ग्लास ऑफ वाटर जब कंज्यूम करता है तो उसकी प्यास बहुत हद तक बुझ जाती है, उसे अच्छा लगता है, उसे पहला ग्लास ऑफ वाटर बहुत ज्यादा यूटिलिटी देता है। लेकिन जब वो उसके बाद एक और ग्लास ऑफ वाटर पिएगा तो पहले ग्लास से डेफिनेटली कम यूटिलिटी उसे मिलने वाली है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जो वांट की थी वो तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से कम हो गई। इसके बाद जब वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्लास ऑफ वाटर पिएगा तब डेफिनेटली उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो रिड्यूस होती रहेगी, और सिक्स्थ ग्लास के बाद तो उसे ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत पानी पी लिया, अब और ज्यादा नहीं। तो इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिश होना, और वही हमारे इस लॉ में कहा गया है। लेकिन देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हिच आर मेड बाय अल्फ्रेड मार्शल और जिनके बदौलत ही ये लॉ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अगर ये अजम्पशंस सही ना हो तो शायद ये लॉ को एक्सपीरियंस करना मुश्किल है। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या है इस लॉ के अजम्पशंस में खास। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर, और इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, इजीली याद रखने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डियर एचएससी, डियर एचएससी, आप डॉक्टर एचएससी भी लिख सकते हैं। दोस्तों, फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी, आर से रीजनेबिलिटी। जी हां, डॉक्टर एचएससी या डियर एचएससी में डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी और आर से रीजनेबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों एचएससी में याद रखिए एच फॉर होमोजेनिटी, एस फॉर सिंगल वांट और सी से 3 पॉइंट्स, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी। क्या है इन पॉइंट्स का मतलब, क्या है इनमें खास, चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ में तो ये कह दिया कि भाई अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ऑल द थिंग्स शुड बी कांस्टेंट एंड ओनली देन द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन इज डिराइविंग विल डिमिनिश। उसी में उनका ये कंसिडरेशन है कि जो हम कंज्यूम करने वाले हैं ना, वो डिविजिबल होनी चाहिए वस्तु। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम पानी पूरी कंज्यूम कर रहे हैं, वो छोटे छोटे एक एक पानी पूरी के जो पीसेस हैं वो हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। उसी प्रकार हम अगर एक चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो एक एक चॉकलेट का पीस हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो ग्लास ऑफ वाटर हो या चॉकलेट्स हो, ये डिविजिबल इन नेचर होनी चाहिए, तभी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होगी, डिमिनिश होगी। अगर वो एक बहुत बड़ी सी चीज है जिसे आप एक ही बार यूटिलाइज करने वाले हैं, उसका सक्सेसिव कंजम्पशन होने ही नहीं वाला, जैसे टेलीविजन सेट या रेफ्रिजरेटर, ये तो बड़ी वस्तु है, ये आप एक ही बार खरीदेंगे, 4-5 साल में एक बार उसे चलाएंगे, है ना, तो ऐसी वस्तुओं के अंदर दोस्तों डिविजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होती, और इसीलिए अज्यूम किया गया है कि जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो डिविजिबल इन नेचर है। द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये पहला कंसिडरेशन, पहली धारणाएं, पहला अजम्पशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, डियर एचएससी में आर से रैशनलिटी।
अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भैया जो कंजम्पशन कर रहा है वो व्यक्ति नॉर्मल ह्यूमन बींग होना चाहिए, वो बेवड़ा नहीं होना चाहिए, वो कोई पागल घनचक्कर नहीं होना चाहिए, वो एक नॉर्मल बिहेवियर वाला, एक नॉर्मल रैशनल पर्सन होना चाहिए जो अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करे और अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। बस यही इनकी शर्त है। Consumer is assumed to be rational, yani normal. It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. और normal human being ऐसा ही करते हैं, जब तक पूरी तरह से satisfy नहीं होते वो consume करते हैं चीज़ों को। उसी प्रकार यहाँ पर assume किया गया है कि rational behavior होना जरूरी है। अगर कोई एक ही बार consume करके फिर नहीं consume करेगा आगे commodity को, तो फिर law को experience करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। Dear HSC में अगला point है R से reasonability। जी हाँ, Not too big, not too small. Not too big, not too small. जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी बात याद रखिए। अल्फ्रेड मार्शल का ये मानना है कि मार्जिनल यूटिलिटी तब डिमिनिश होगी जब वस्तु ज्यादा बड़ी भी ना हो और ज्यादा छोटी भी ना हो। Yes, all the units of a commodity consumed are of reasonable size. They are neither too big, neither too small. जैसा मैंने उदाहरण दिया आपको, एक बड़ा सा टेलीविजन सेट है तो वो तो आप एक ही बार कंज्यूम करने वाले हैं, सक्सेसिवली बार बार तो कंज्यूम नहीं करेंगे, उसे तो एक ही बार खरीदेंगे आप मार्केट से, तो ऐसे में आपको मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। तो यही है यहां पर अजम्पशन रीजनेबिलिटी का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। डियर एचएससी में एच से है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी शब्द जब सामने आए तो याद रखिए होमोजीनियस इन नेचर यानी सेम 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 सेम, आइडेंटिकल यानी शेप साइज रंग रूप टेस्ट वगैरह में सेम होनी चाहिए वो चीज जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं। आपको प्यास लगी, आप पानी पी रहे हैं, ठीक है। आपने एक और ग्लास वाटर पी लिया, ठीक है। आपने एक और ग्लास वाटर पी लिया, ठीक है। आपकी प्यास बुझ रही है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम भी हो रही है, होती रहेगी, लॉ ने यही कहा है। लेकिन अचानक से पहले ग्लास ऑफ वाटर के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक दे दिया जाए तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते होते बढ़ जाएगी ना बॉस, क्योंकि प्रोडक्ट ही चेंज हो गया है, प्रोडक्ट अब सेम नहीं रहा है। एंड दैट इज व्हाई अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन है, उनका कंसिडरेशन है कि प्रोडक्ट सेम रहेगा तभी आप लॉ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यस, All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. इनका size, shape, color, taste में same रहना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। Single want, S से अगला assumption है। यहां पर यह अज्यूम किया गया है कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही उपयोग में लाई गई है। जी हाँ, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। हालांकि कई बार ऐसा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हम लें तो इलेक्ट्रिसिटी ये मल्टीपर्पज है, कई जगहों पर यूज की जाती है, लेकिन यहां पर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भाई गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। द लॉ अज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट व्हिच इज कंप्लीटली सैटिएबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सैटिएबल का मतलब होता है सैटिस्फाइंग, जो एक पॉइंट तक मैक्सिमाइज कर सके सैटिस्फैक्शन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है सी से कार्डिनल मेजरमेंट। जी हाँ दोस्तों, कार्डिनल मेजरमेंट ये भी एक बड़ा अजम्पशन है अल्फ्रेड मार्शल जी का। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भैया यूटिलिटी को नंबर्स में प्रेजेंट करना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो सके। हालांकि सभी इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसे आंकड़ों में हम कभी तब्दील नहीं कर सकते, कभी भी इसे बयान नहीं किया जा सकता। यस, द लॉ बट स्टिल अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं कर सकते। हमने देखा है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ही कई टेबल्स और शेड्यूल बना करके अल्फ्रेड मार्शल ने हमारे सामने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी बनाया है, साथ ही साथ नंबर्स में एमयू और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स वगैरह भी प्रेजेंट किया है, मगर एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ये एक अजम्पशन है लॉ ऑफ डीएमयू का। क्योंकि यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपको पानी पीकर के कितना अच्छा लगा ये आप लीटर में किलो में तो बयान नहीं कर सकते, ये तो आपके मन का सेटिस्फैक्शन होता है और वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ना कि नंबर्स में बयान किया जा सकता है। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो अल्फ्रेड मार्शल का ये अजम्पशन है कि कार्डिनली मैं कर रहा हूं प्रेजेंट इसे ताकि इसका कैलकुलेशन हो सके, इसको मेजर अच्छे से किया जा सके और इसको हम कंपैरिजन वगैरह भी कर सकें। तो कार्डिनल मेजरमेंट एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, मगर हमने अज्यूम करते हुए ये काम किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सी से कंटिन्यूटी। यहां पर याद रखिए कि कंटिन्यूअस सक्सेशन में
रेगुलरली, लगातार, बार बार आपको चीजें कंज्यूम करना जरूरी है, तो ही आप मार्जिनल यूटिलिटी को डिमिनिश होता देख पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप आज एक चॉकलेट खा रहे हैं, 10 दिन बाद दूसरी चॉकलेट खा रहे हैं, 10 दिन बाद और एक चॉकलेट खा रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो तो हर बार आपको अच्छा ही लगेगा, हर बार आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ही। लेकिन जब आप 10 चॉकलेट एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं, बिना टाइम इंटरवल के, बिना गैप के, तभी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। और एक पॉइंट पे आप कहेंगे नहीं नहीं यार, बस बहुत चॉकलेट खा लिया। यस, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, और ये एक अजम्पशन है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी अजम्पशन की ओर। आखिरी अजम्पशन है कॉन्स्टेंसी सी से। जी हाँ दोस्तों, यहां पर कहा गया है ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। जैसा कि आपने लॉ के स्टेटमेंट में भी देखा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, पहले ही अल्फ्रेड मार्शल ने बोल दिया कि भाई देखो बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट होंगी, सेम होंगी, तो ही हमारा लॉ एक्सपीरियंस किया जा सकेगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। अगर आपका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, आप पानी पूरी खाते खाते अचानक सेव पूरी पे आ जाते हैं, आप अचानक से दही पूरी खाने लग जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इफ योर टेस्ट चेंजेस, इफ योर लाइक्स और डिसलाइक चेंजेस, देन योर मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑल्सो चेंज। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। ये भी यहां पर अज्यूम किया गया है कि मनी का जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो भी कॉन्स्टेंट है। हालांकि सभी इकोनॉमिस्ट इसको भी नकारते रहते हैं। तो ये थे कुछ अजम्पशंस जो अल्फ्रेड मार्शल ने रखे हैं, कंसिडरेशंस जो अल्फ्रेड मार्शल ने किए हैं। आंसर को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड DRHSE, डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी, आर से रीजनेबिलिटी, एच से होमोजेनिटी, एस से सिंगल वांट और सी से तीन पॉइंट्स, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। नोट डाउन कीजिए सारे पॉइंट्स, क्योंकि 8 मार्क के बड़े आंसर में अजम्पशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ DMU और जानेंगे क्या ये अजम्पशंस वाकई में रियल इन नेचर है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।